जून 1957 को मुंबई में जन्मी डिंपल कबाड़िया, जो कि राजेश खन्ना की बीवी थी और अक्षय कुमार की सासू माँ है। महज 65 वर्ष की उम्र में डिंपल कबाड़िया का आज सुबह 8:15 पर निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ट्विंकल खन्ना की माँ डिंपल कबाड़िया का निधन हो चुका है। इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिनमें बॉबी, सागर, पठान, राम लक्ष्मण जैसी मूवीज में काम किया और अब उनके निधन की खबरों ने हर किसी को हैरान व परेशान करके रख दिया है। बताया जा रहा है कि डिंपल कबाड़िया काफ़ी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और आज सुबह ही मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। राजेश खन्ना के निधन के बाद उनके घर में ये दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। हालांकि उनके निधन की खबरों की पुष्टि न उनके परिवार के किसी सदस्य ने की है और न ही किसी बड़े सेलिब्रिटी ने, जिसके तौर पर यह माना जा रहा है कि डिंपल कबाड़िया के निधन की खबरें महज अफवाहों के तहत ही आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अभी भी वो शायद मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका इलाज जारी है। दोस्तों, अगर आप डिंपल कबाड़िया के फैन रह चुके हैं, श्रद्धा भावपूर्ण इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही उनके अच्छी सेहत की कामना करते हुए कमेंट में गेट वेल सून जरूर लिख दें। इस वीडियो का बनाने का हमारा असली मकसद यही है, अगर आपने भी डिंपल कबाड़िया के निधन की खबरों को देखा या सुना है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।